हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कल ही रिजल्ट आया है स्केल टू का, और मेरे को लगता था कि मेरा हो जाएगा पर हुआ नहीं। पता नहीं क्यों नहीं हुआ और किस लिए नहीं हुआ। शायद मेरे रिटर्न में मार्क्स कम हो गए थे, या तो फिर इंटरव्यू में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा मेरे से। ठीक है, ये स्केल टू बेसिकली प्रमोशन था मेरा, मतलब डायरेक्ट जो ओपन एग्जाम होते हैं, जैसे अपन जो RRBPO के ओपन एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम नहीं था ये। एग्जाम जैसे मेरे को अभी 4 साल हो गए थे और मेरे पास JIB CIB था, इसलिए मैं एलिजिबल था स्केल टू के लिए। मैं आपको पूरा पैटर्न समझाता हूँ इसका। पैटर्न ऐसे है कि नॉर्मल प्रमोशन जो होते हैं वो आपके 8 साल में होते हैं, और फास्ट ट्रैक प्रमोशन जो होते हैं वो आपके 6 साल में होते हैं। तो 6 साल वाले प्रमोशन के लिए मैं एलिजिबल था, और मेरे पास JIB का 1 साल कम किया और CIB का 1 साल कम किया, मतलब मैं 4 साल के बाद स्केल टू के लिए एलिजिबल था। और एग्जाम ऐसा होता है कि एक रिटर्न होता है और इंटरव्यू होता है। रिटर्न जो होता है वो रिटर्न होता है 50 मार्क्स का, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स का रिटर्न होता है। और रिटर्न में अपन को जो क्वेश्चन आते हैं वो 80 क्वेश्चन आते हैं, 40 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 बैंकिंग लॉ के आते हैं और 40 क्रेडिट पॉलिसी के आते हैं। तो अब मैं देखूँ तो मतलब समझ लो 40 40 क्वेश्चन, मतलब 20 20 25 25 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे डिवाइडेड रहते हैं। तो टोटल जो क्राइटेरिया रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 50 मार्क्स जो रहते हैं वो रिटर्न एग्जाम के रहते हैं, 30 मार्क्स अपने APR के रहते हैं, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो हर साल आप शायद किसी के अंडर काम किए हैं या मैनेजर के अंडर काम किए हैं या RO में काम किए हैं, तो आपका एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट जाता है, उससे मार्क्स निकालेंगे। और तीसरा जो रहेगा 20 मार्क्स, वो इंटरव्यू के थ्रू आएगा आपका। तो ऐसे 100 मार्क्स में से आपको 60 मार्क्स लाने पड़ते हैं टोटल। तो शायद मैं वहां रह गया होऊंगा, तो अब कोई नहीं, नहीं निकला तो क्या, ट्राई करूंगा अगले साल और अच्छे से ट्राई करूंगा, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर स्केल टू हो जाता तो अच्छा भी लगता, नहीं है तो काम तो वही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर एक कोई एग्जाम है, अपन ने मेहनत की है जिसके लिए प्रिपेयर कर रहा था मैं 1 महीने से, सब कुछ रोक दिया था। अब वो नहीं हुआ तो ऑब्वियसली थोड़ा तो अजीब लगता ही है। बाकी तो सब सही चल रहा है। और जिनका भी स्केल 1 का मेंस का एग्जाम है भाई, अच्छे से देना, शांति से देना। मैं तो फेल हो गया, स्केल 2 में फेल हुआ हूँ, जिंदगी में फेल नहीं हुआ। ठीक है, तो आप जो भी RRB, अगर प्री में भी फेल हो गए होंगे भाई, जिंदगी में फेल नहीं हो गए हो, अभी और बहुत कुछ बाकी है। ट्राई करते रहो, मैं भी ट्राई करते रहूंगा। थैंक यू।